तो फेल गेम फैमिली एक खतरनाक जॉम्बी गेम जिसका नाम है डेज गॉन, उसके एपिसोड 26 में आप सभी का स्वागत है। और इन केस आपने यहाँ तक कोई भी एपिसोड मिस करा है ना, तो ऐसी दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक से लेकर एपिसोड 25 तक सारे एपिसोड्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो कि आपने जो भी एपिसोड मिस करे ना, उन सारे एपिसोड्स को देख लो, ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। तो लास्ट एपिसोड में हमें पता चला ना कि सारा जो दवाई बना रही है ना, वो ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें फिर से इंसान बनाकर ठीक करने के लिए। पर सारा को ये दवाई बनाने के लिए अब जो सामान चाहिए वो यहाँ आसपास नहीं मिलेगा, इसलिए डीकन और सारा ने प्लान बनाया कि वो कर्नल के कैंप से भागने वाले हैं। और यहाँ से भागने में ना और कोई नहीं बल्कि ओब्रायन मदद करेगा, तो उससे भी मिलने जाना है। लेकिन उससे पहले सारा ने जो जहरीले पौधे मंगाए थे वो ले जाके उसको देना है, और साथ में वीवर को MP3 प्लेयर चाहिए था, तो वो भी उसको ले जाकर दे देते हैं। और फेल गेम फैमिली इस वाले एपिसोड पे भी जल्दी से 5K लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो, उसके बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आ जाएगा। चलो फिर स्टार्ट किया जाए। मेरे पास याद है ना कि मौली नहीं था, इसलिए इन ज़ॉम्बी कौओं को फिलहाल छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन वापस आऊंगा इनको मारने के लिए। सारा के पास वापस जा रहा था, लेकिन रास्ते में गुंडों का कैंप मिल गया है, और जाना मेरे को यहीं से है, यानी कि इन सबको मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इस कैंप के अंदर टोटल 19 गुंडे, ओके? इतनी बड़ी बड़ी गन से मेरे पास, और ये लोग डंडा लेके आ रहे हैं, शर्म नहीं आ रहा है? अभी भी इस कैंप में 15 गुंडे और बचे हैं, और मेरे पास बैंडेज सिर्फ एक ही है, तो थोड़ा संभल के फाइट करना होगा। अच्छा अच्छा, स्नाइपर वाले ने एक शॉट ले लिया ना। आठ गुंडे मर गए, बाकी के और 11 गुंडे कहाँ है भाई? कोई आ भी नहीं रहा है, कोई आता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैप में बन रहा है। अच्छा, इस कैंप का अंडरग्राउंड बंकर मिल गया है मुझे, ठीक है। सबको मारने के बाद ना बंकर के अंदर जाना है, और जो भी इनका खुफिया राज है वो मिल जाएगा अपने को, तो वो भी करना होगा, लेकिन पहले सबको मारना है। एक मेडिकेट मिला है, लेकिन बैंडेज एक भी नहीं है भाई, ऐसा क्यों है? अरे भाई कल पनवेल भी निकलना है, जल्दी जल्दी आके मरते जाओ ना। इस कैंप में और भी लोग हैं, पता नहीं कहां छुप छुप के बैठे हुए हैं। अभी ना इस कैंप के सारे लोग मरे नहीं है, वरना वो टैग मिल जाता मेरे को, लेकिन अभी तक मरे नहीं है, कोई ना कोई बचा हुआ है। भाई कैंप में पूरा इतना हल्ला चल रहा है, बाकी आदमी लोग कहां है? सबको मिलके ना हमला करना चाहिए। हाँ देखो, चार लोग अभी भी बचे हुए हैं भाई। कौन है वो चार डरपोक लोग जो छुप के बैठे हुए हैं? कैंप के अंदर इतना हमला हो रहा है और चार आदमियों को पता ही नहीं है, वो लोग कोई और ड्यूटी कर रहे हैं क्या? भाई पक्का छुप के बैठे हुए हैं, कहां है लेकिन कोई तो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा कोई दिखा, दिखा आवाज भी आई किसी की। भाई तेरे को पता नहीं, तेरे कैंप के सारे लोग मर गए, अब तू जिंदा रह के क्या करेगा? तो ऐसा है ना कि दो लोग अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन कहाँ है पता नहीं, खोजना पड़ेगा मुझे ही। जो भी दो आदमी इस कैंप के बचे हुए ना, बहुत ही बेकार आदमी, 17 आदमी मर गए कैंप पे, टोटल 19 ही थे, और उन दोनों को होश ही नहीं है। एक काम करते हैं, बाइक अंदर लेके आते हैं और राउंड लगाते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और ऐसे भी मुझे बाइक में तेल भी भरना है, क्योंकि देख रहे हो ना, ओ दिखा दिखा, कोई भाग रहा था उधर। अरे आ जाओ बेशरम,
ऑप्टिक क्लास गुंडी बची है, क्योंकि गुंडे तो सारे मर गए लेकिन एक लड़की गुंडी बची है। You're done. How do you like that, huh? Being ambushed, you like that? You murdering sons of bitches. Bunker, yeah, I bet they had a bunker. Just gotta find it. Bunker ko investigate karna hai. There it is, down the hatch. ज्यादातर इन गुंडों के कैंप के बंकर में ना या तो कोई मैप रहता है या फिर कुछ क्राफ्ट करने का इनके पास तरीका होगा, वो डीकन भी सीख जाएगा और यहाँ पर सो भी सकते हैं, लेकिन सोएंगे नहीं, अभी बहुत काम है। A map. Looks like they marked it up good. इन गुंडों की बस इतनी किस्मत खराब थी ना कि मेरे जाने के रास्ते में ये लोग पड़ गए थे, इसलिए मर गए। Got some papers, notes on crafting. Yeah. तो मेले वेपन को क्राफ्ट करने का और अलग ऑप्शन आ गया। ओके, तो चलो फिर इस कैंप से निकलते हैं और सारा को जहरीले पौधे और वीवर को MP3 प्लेयर देते हैं और उसके बाद ओब्रायन के साथ मिलके प्लान बनाना है कि सारा को लेके यहाँ से भागे कैसे। बाइक मेरी ना बहुत ज्यादा डैमेज भी और मेरे पास स्क्रैप्स भी नहीं है, इसलिए थोड़ा संभल के चलाना होगा। देख रहे हो धुआं धुआं हो रखा है बाइक में। ऐसे ट्राई करूंगा, अगर रास्ते में स्क्रैप मिल गया तो ठीक है। पेट्रोल, ओ पेट्रोल भी कम है यहाँ पर, एक कहीं फ्यूल कैन देखा था ना, चलो देख लेते, रास्ते में मिल ही जाएगा। इसको पहले उड़ाना होगा। भाई मेरे पास ग्रेनेड्स तो हैं। अच्छा मुझे अभी याद आया कि कर्नल ने भी एक काम दिया था कि एक जासूस उनके ग्रुप में काम कर रहा था, वो भाग गया, उसको पकड़ के लाना है, वो भी जिंदा। फ्यूल कैन यही कहीं था मुझे याद आ रहा है, लेकिन छोड़ो रास्ते में भी मिल ही जाएगा। अब फिर इसको उड़ाना पड़ेगा। भाई ये कैंप इतना प्रोटेक्ट करके रखने की क्या जरूरत थी, क्या फायदा, कोई फायदा हुआ? ओ मौली से ये नहीं उड़ता है, हट, इसको ग्रेनेड से उड़ाना होगा। तो रास्ता भी बहुत लंबा है, यानी कि 2-3 खतरे तो रास्ते में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बस देखते रहो कि क्या मिलेगा रास्ते में खतरा। और अगर ज़ॉम्बी होर्ड मिल गया, मैंने वादा किया ना कि ज़ॉम्बी होर्ड जैसे ही दिखा उससे फाइट लेंगे। भाई ये मेरा रेडियो ऑन हो रहा है बार बार, कोई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है क्या? यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं लेकिन होर्ड नहीं है यहाँ पर। फालतू इन ज़ॉम्बीज को मार के अभी टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। कहानी बहुत लंबी है और आई थिंक अभी 80% भी गेम खत्म नहीं हुआ है, 26 एपिसोड होने के बाद भी। This is Ricky to Lost Lake. Come back. Yeah, Ricky, what's up? Ricky, loser. Can you hear me? Think of the Lost Lake camp. Come back. Just checking in to see what else Addie needed. She. God damn it, Ricky. I don't know. Oh, Iron Mike said. तो मैंने बोला ना, मुझे लग रहा था कि रेडियो मेरा बार बार ऑन हो रहा था और रिकी कॉन्टैक्ट कर रही थी बूजर से और वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन डीकन ने भी बात करने का ट्राई किया पर उनको डीकन की आवाज आई नहीं। तो डीकन अपने मनी मन में बूजर को बोल रहा है कि बूजर सबकी वाट लगा दो। बाइक में तेल ऑलमोस्ट खत्म हो गया लेकिन पेट्रोल पंप भी आ ही गया, किस्मत अच्छी थी आज। और वहां पर 2-3 ज़ॉम्बीज भी हैं। चैन से पेट्रोल भी नहीं भरने देते हैं मनहूस लोग। ये मेरी फाइनली हेल्थ है, एक भी मेडिकेट भी नहीं है मेरे पास और अभी मैं बनाने रुकूंगा भी नहीं। टंकी मैंने फुल नहीं कराया भाई, कम हेल्थ है, चुपचाप से निकल जाते हैं। और अभी तो रास्ता खत्म भी नहीं हुआ है, जान रहे हो ना, फिर कोई ना कोई मिलेगा। कोई मुझे लग रहा है कि ज़ॉम्बी वुल्फ पक्का, उन्हीं की कमी है बस।
अब कोई मत मिलना भाई, हेल्थ नहीं है मेरे पास। अरे रे रे रे, पता ही था ये लोग आएंगे। ऐसा है ना कि रोक के हेल्थ क्राफ्ट कर ही लेते हैं, वरना एक पंजा मारेगा डीकन गंजा हो जाएगा, मर जाएगा, इसलिए हेल्थ क्राफ्ट करते हैं। पुलिस की कार सामने दिख ही रही है तो स्क्रैप यहां से निकाल लेते हैं, क्या बोलते हो? बाइक को भी रिपेयर कर लूंगा। इसके अंदर स्क्रैप नहीं था, सप्रेसर मिला है भाई इसके अंदर से। छोड़ो कोई बात नहीं। ऑलमोस्ट कैंप तक पहुंच ही गए, थोड़ा सा और संभल के चलेंगे ना, बैंडेज यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि एक ही बैंडेज है मेरे पास। अच्छा मैं बता दूंगी, कर्नल ना थोड़ा थोड़ा पागल हो रहा है, मतलब पहले से भी पागल था ही लेकिन अभी और सनकी होते जा रहा है। सारा और वीवर को याद है ना, गुफा के अंदर बंद कर दिया है ताकि उनको कोई मार नहीं दे, मतलब जान बचाने के चक्कर में कैद थोड़ी कर दोगे किसी को। अच्छा ओब्रायन ने बोला है कि वो मदद करेगा डिकन की यहां से भागने में, लेकिन पहले ओब्रायन के लिए काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है पता नहीं, अभी तक ओब्रायन ने बताया नहीं, जब मिलेगा तब बताएगा। आई थिंक इस मिशन के बाद ओब्रायन ही का मिशन होगा। आप लोग अगर कमेंट करके मना नहीं ना करते जर्नी कट करने के लिए, तो मैं ये पक्का जर्नी कट करने वाला था, क्योंकि इतना मुझे मनहूस लगता है ना यहां से लेकर, मतलब जो मिशन है वहां तक जाने में, क्योंकि बाइक बहुत धीरे धीरे चलती है। चलो कोई बात नहीं, दो तीन ही मिशन आई थिंक और इस कैंप में बचे हुए, फिर इस कैंप से आजादी मिल जाएगी, सड़े हुए कैंप से। स्टार्टिंग में मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी तक का पूरे गेम का सबसे पकाऊ कैंप है, क्योंकि ये जो बाइक राइड है ना बहुत ही स्लो और बहुत ही लंबी है इस वजह से, और मैंने दो तीन बार तो कट भी कर दिया। अब सोचो मुझे कितना झेलाव रखता होगा, क्योंकि मुझे तो खेलना पड़ता है ना, हर बार जाना तो पड़ता ही है। ये क्या, अरे साइड मिशन स्टार्ट हो गया, मां कसम। तो कर्नल अभी अपनी स्पीच देगा, अब झेलना पड़ेगा स्पीच को, पता नहीं क्या बकेगा। A short while ago, I stood here before you and grieved for the loss of Captain Jimenez, our only doctor and my very dear friend. And for what great purpose did Captain Jimenez perish? So that a drug addict, a worthless excuse of a human being, could get high. Jimenez died because he stood between a junkie and a bag full of narcotics. तो कर्नल अपनी स्पीच में काफी गुस्सा कर रहे हैं कि हमारा एक लौता डॉक्टर जिमेनेज मर गया, और किस लिए मरा? क्योंकि वो एक नशे करने वाले को रोक रहा था ड्रग्स ले जाने से, इस कारण से वो मर गया। ये जो डॉक्टर जिमेनेज मरा ना, उसके बाद से ही कर्नल की और ज्यादा सटक गई और सारा और वीवर को गुफा में डाल दिया है। I have taken steps to see that this never happens again. For their own safety, I have moved Lieutenants Whittaker and Weaver into the Ark, where they will be under protective watch 24 hours a day. तो जिमेनेज के साथ जो हुआ वो डॉक्टर वीवर और सारा के साथ नहीं हो, इसलिए उनको गुफा में डाल दिया है कर्नल ने। The call is going out. Any person who has highly trained knowledge and skills that cannot be replaced, mechanics, engineers, scientists, medical personnel, are to be taken from active duty and removed to the Ark until this war is over. From now on, no one is allowed entrance into the Ark unless they are on special assignment and unless they are personally vetted by myself. There will be no exceptions. I am beginning to see, I'm afraid, that our enemy has never been the freaks. They know not what they do. Mankind, in all his state of degradation and transgression, is our true enemy. Keep a watchful eye on your neighbors. Evil surrounds us. How can you?
तो कर्नल ने बोल दिया कि जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके पास कोई खास स्किल है जैसे कि मैकेनिक इंजीनियर सबको उठाकर गुफा में डाल दिया जाएगा जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाती है। और कर्नल ने बोल दिया कि हमारे दुश्मन कभी ज़ॉम्बीज नहीं थे क्योंकि ज़ॉम्बीज को पता थोड़ी है कि वो क्या कर रहे हैं, हमारी दुश्मन इंसानियत ही है, इसलिए अपने आसपास के लोगों पे खास ध्यान रखो क्योंकि बुरी शक्ति से हम लोग घिर चुके हैं। कर्नल की पूरी सटक गई भाई, यहाँ से जल्दी निकल लो वरना बहुत दिक्कत होने वाली है, ये जीना दुश्वार कर देगा भाई। ऐसे में इसका भाषण नहीं सुनने वाला था लेकिन अच्छा किया कि सुन लिया, पता तो चला कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, सही ना? Well, would you like to taste it? Go right ahead. Thank you, Corporal. I hope you were careful. This is very toxic. Yeah, sure thing, ma'am. Listen, I got a plan. I don't have time to explain, but the next time I get here, get ready to get the hell out of here. Okay. Corporal. I didn't thank you this time. तो डीकन ने दबी आवाज में बोल दिया है सारा को कि अगली बार मैं जब यहाँ आऊंगा ना तो निकलने के लिए तैयार रहना। As you were. और सारा मजाक से ताना मार रही थी कि देखा इस बार मैंने थैंक यू नहीं बोला लेकिन लिस्ट दे दिया है। ओ, लिखा है कि मैंने तुमसे कभी प्यार करना बंद नहीं किया। वाह, ये लिस्ट नहीं दिया था, बस अपना क्यूट सा मैसेज दिया था। ठीक है, वीवर को MP3 प्लेयर देना है। ओके, अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 से लेकर 25 तक देखा है तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि यहाँ से निकलना इतना आसान तो नहीं होने वाला है, बहुत तमाशा होने वाला है, लेकिन फिलहाल वीवर को सामान दे देते हैं। Hey man, how'd you do? This is all I could find. तो वीवर को जब मैंने MP3 प्लेयर दिया ना तो वो खुश हो गया, और वो सीन मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि उसमें एक हॉलीवुड सॉन्ग बजने लगा था, और आप लोग जानते हो कि सॉन्ग बजने से कॉपीराइट आता है, वीडियो ब्लॉक हो जाती। उसमें हुआ कुछ नहीं, बस वीवर खुश हो गया और डीकन की तारीफ करी, बोला कि भाई तुमने थैंक यू मुझे MP3 प्लेयर लाके दे दिया, बस इतना ही था। और डीकन जा रहा है अब ओब्रायन से मिलने, ओब्रायन ने जो काम बोला है उसको कर देंगे, उसके बाद ओब्रायन यहां से भागने में मदद करेगा डीकन और सारा की। चलो बहुत टाइम के बाद ओब्रायन से मिलते हैं और देखते हैं कि ओब्रायन भाई साहब अब क्या करवाते हैं मेरे से। ओब्रायन वो नीरू रिसर्चर का पीछा करने मत बोलना भाई, क्योंकि वो मिशन जानते हो ना साइलेंटली करना पड़ता है, बड़ा गुस्सा आता है भाई धीरे धीरे साइलेंटली करने में, दिमाग खराब, ये गेम साइलेंटली खेलने लायक नहीं है। मैंने पीछे ना एक स्क्रीमर ज़ॉम्बी को देखा, मुझे लग रहा है कि इस रास्ते से थोड़ा लंबा पड़ सकता है। स्क्रीमर इससे पहले चिल्लाए उसको बाइक से उड़ा दूंगा। ये देखो कितना तेज भाग रही है भाई। यो ब्रायन ने कहां कोने में बुला लिया भाई, क्या करने वाला है डीकन के साथ? सुपारी तो नहीं ले ली डीकन की? ये स्क्रीमर बस चिल्लाने ही वाली थी। ओ, स्क्रीमर अपने साथ 6-7 ज़ॉम्बी लेके घूमती है, इनको मारा जाए क्या? चलो मारते हैं। और यहाँ पर गुंडे भी हैं, बहुत बढ़िया। ये जो शिकागो चॉपर गन है इसकी आवाज कितनी सही है, टॉमी गन जैसी है। चलो यहां से निकला जाए, ओब्रायन के पास जाना है, अभी बहुत काम है भाई, सारा को भी लेके यहां से भागना है, जान रहे हो ना टेंशन टाइट है। ये जो बड़ी बोतल है ना इससे नेपाम मोलोटोव बनता है, याद है ना लास्ट एपिसोड में मिला था।
ऐसे ना रास्ते में कुछ दिख जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक 6-7 ज़ॉम्बी वुल्फ आ नहीं जाए मेरा दिन पूरा नहीं होता है। ये इकलौता ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें आप सीन एंजॉय भी नहीं कर सकते हो। 2 सेकंड कहीं पे खड़े रहोगे ना कांड हो जाएगा। अब जब तक ज़ॉम्बी का होड नहीं ना मिल जाता मैं नहीं रुकने वाला। हाँ किसी ने रोक लिया तो वो अलग बात है, पर मैं ट्राई करूंगा कि रुकूंगा नहीं, डायरेक्ट मेन मिशन की तरफ चलते हैं। चलो फिर देखते हैं कि सुब्रायन के लिए क्या करना पड़ेगा जिसके बाद ये डिकन की मदद करेगा सारा को लेके भागने में। क्या लगता है आप लोगों को, नीरो रिसर्चर या फिर कुछ और? So, what do you want from me, O'Brien? I'm glad she's alive, your wife. Okay, what do you want? I told you the infected, the freaks are mutating, some faster than others. We placed a tracking bracelet on one of them so that we could track it and stop it periodically and draw blood samples and check the progress of the virus. Okay, so why do you need me? Well, it's wandered into militia territory. Oh, right. We can't get close to it. Yeah, no fly zone, outpost with RPGs. Exactly. What's this? Once you've tracked it down, I'm gonna need you to do something for me. This pack holds everything you need to do a field biopsy. We need blood and tissue samples. Can you handle that? Yeah, I can figure it out. By the way, nice uniform, Corporal. Suits you. Suck it. तो एक ज़ॉम्बी के अंदर ट्रैकर लगाया ओब्रायन ने, उसको मुझे ट्रैक करना है क्योंकि वो कर्नल के एरिया में है। The tracking signal is coming from somewhere around Mount Scott. There's a cave. The subject you're tracking has a super elevated metabolism. We think it might be headed there. If there's something else, we'd like you to check. We did send a team in on foot. They never came back. Just let me know if you find them. We got people here looking for some closure. So, what else can you tell me about this freak you're tracking? We don't have all the answers. All we know is that the infected are mutating. We're talking about leaping past millions of years of evolution. We think they're communicating with each other the way ants and bees and other... You know, to me, sounds like a whole lot of mumbo jumbo. Believe what you want. Once you see our test subject, you'll change your mind. O'Brien out. तो भाई साहब ओब्रायन ने थोड़ा सा डरा दिया लेकिन डीकन को फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे याद है ना ओब्रायन ने बताया था कि ज़ॉम्बीज म्यूटेट कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं ज़ॉम्बीज, और ओब्रायन ने जिस ज़ॉम्बी के अंदर वो ट्रैकर लगाया था ना वो एक गुफा के अंदर चला गया, और ओब्रायन ने बताया कि उसने अपनी एक टीम भी भेजी थी और जिस टीम को भेजी थी ना उसमें से एक आदमी भी लौटा नहीं। तो ओब्रायन ने डीकन को बोला कि प्लीज तुम एक बार टीम को भी चेक कर लेना मेरी, वो लोग वहां पर है या नहीं। और ओब्रायन बोल रहा है कि ज़ॉम्बीज एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि चींटियां और मधुमक्खियां एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करती है ना, उसी तरह ये लोग भी आपस में बात कर रहे हैं किसी तरह। तो डीकन ने बोला कि ये सब सुनकर मुझे बकवास लग रहा है और कुछ नहीं। तो ब्रायन ने बोला कि जब तुम अभी जिस ज़ॉम्बी को ट्रैक कर रहे हो ना उससे मिलोगे ना तो तुम ये जो मन में सोच रहे हो वो सब चेंज हो जाएगा। पता नहीं भाई वो ज़ॉम्बी कैसा है। और ब्रायन ने उस ज़ॉम्बी का ब्लड सैंपल भी लाने बोला और उसका टिश्यू भी लाने बोला है, तो वो भी करना होगा। रास्ते में बहुत सारे नेस्ट नजर आ रहे भाई, एक आध उड़ा दिए जाए क्या? चलो ठीक है इसको उड़ाते हैं। इस नेस्ट के अंदर ब्रेकर ज़ॉम्बी भी है जो बहुत गोलियां खर्चा करवाता है। अच्छा ब्रेकर मेरा आधा काम कर देगा, वो आधे ज़ॉम्बीज को ऐसे ही मार देगा। ऐसे यहाँ पर ज़ॉम्बीज के भी नेस्ट हैं और कवो के भी नेस्ट हैं, लेकिन आते टाइम देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल मेन मिशन की तरफ चलते हैं। स्क्रैप
तो बाइक रिपेयर करते हैं और वो जो खास ज़ॉम्बी है उससे मिलते हैं। पता नहीं कैसा ज़ॉम्बी होगा। I can fix this. It should do it. अच्छा, ओब्रायन इस इलाके में क्यों नहीं आ सकता पता है ना, क्योंकि कर्नल के पास आरपीजी है। तो अगर गलती से एक भी चॉपर आया ना इस एरिया में तो कर्नल की आर्मी उसे आरपीजी से उड़ा देगी। अच्छा, गोलियां मेरे पास फुल है। ओके, ऐसे भी मेन मिशन की तरफ पहुंच ही गए। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ। पता नहीं कैसा ज़ॉम्बी है भाई, हो सकता है बॉस फाइट हो, हो सकता है नहीं, मेरे को लग रहा है कि बॉस फाइट होने वाली। इसी गुफा के अंदर गया है वो। Well, Brian, I'm at the cave and I'm heading in. You guys gonna be ready? Yes, we're standing by. Oh, Jesus. What's wrong? Freaker shit. Freaker shit everywhere. Hey, O'Brien, you got any idea what took out your men? Am I walking into a horde here? No idea. We never heard back from them. Remember, if you find them, we got people here who'd be grateful. Grateful? Yeah, that changes everything. Yeah, I got it. Good. I'll take care of it. Out. तो यहाँ पर बहुत सारे zombies की पॉटी भी है, यानी कि हो सकते हैं कि अंदर एक zombie horde भी है। O'Brien, how many men are in here? How many did you lose? Four men. A researcher and three soldiers. Jesus, O'Brien, what am I doing in here? The researcher, Coop, is a personal friend of mine. You do this and I'll do whatever I can to help you get your wife, O'Brien, out. O'Brien, so while I'm tracking down your pet freak, give me some more mumbo jumbo. Tell me about the virus. I mean, something that I don't know. For those exposed, the virus infection rate is close to 100%. In the first weeks, almost everyone under the age of 12 was killed. Something to do with how puberty, or the lack of it, affected the body's immune response. Everyone over the age of 60 mostly were also killed. Their bodies just couldn't handle the rapid genetic mutations on a cellular level. Everyone else who is exposed becomes transformed as the genes mutate. The thing is, the virus is mutating at an exponential rate. I know you keep saying that. What does that mean? It means that the infected subject, the freaker you're tracking down, isn't like any you've seen before. We've tracked and identified over 12 mutations. 12? Yeah, and that's just the beginning. You wouldn't believe some of the shit we've seen. Yeah, well, I probably would. Say John out. तो ब्रायन ने उस ज़ॉम्बी को ट्रैक करने के लिए ना तीन सोल्जर और एक रिसर्चर भेजा था, और ये जो रिसर्चर है कूप, वो ब्रायन का अच्छा दोस्त है, इसलिए ब्रायन उसको भी ढूंढने बोल रहा है। भले उसकी बॉडी भी मिल जाए, डेड बॉडी, फिर भी बोला है कि उसको प्लीज ढूंढ लेना, और अगर उसको ढूंढ लोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे लिए जो बोलोगे करूंगा, और तुम्हारी वाइफ को यहां से निकलवा भी दूंगा मैं। और ब्रायन ने बोल दिया कि ये जो ज़ॉम्बी को तुम ट्रैक कर रहे हो ना, ऐसा ज़ॉम्बी तुमने आज तक कभी नहीं देखा होगा। और ओब्रायन ने बोला कि ऐसे ऐसे ज़ॉम्बीज़ को देख लिया ना ओब्रायन ने, कि आधी बातों पे तो यकीन नहीं होगा डिगन को। और ओब्रायन ने बताया कि जब ये वायरस फैला ना ज़ॉम्बी वाला, तो 12 साल के नीचे जो भी थे वो सारे मर गए, और 60 साल के ऊपर भी जो थे ना वो भी एक हफ्ते के अंदर सारे लोग मर गए, और जो बचे वो ज़ॉम्बीज़ बनने लगे ऑब्वियसली। पर ये जो ज़ॉम्बी वायरस है ना, ये बहुत अलग टाइप का वायरस है, बहुत जल्दी म्यूटेट कर रहा है, इसलिए इनमें से कुछ ऐसे ज़ॉम्बीज़ बन जा रहे हैं ना जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, जिसमें से एक को अभी देखेंगे कुछ ही देर में, बस मिल तो जाए। ओ, नीरो सोल्जर मरा हुआ है ना। I need that. What the hell was that? He went down fast. यही ज़ॉम्बी जिसको ट्रैक करे भाई, ये तो बिल्कुल अलग टाइप का दिख रहा है, कुछ ज्यादा ही फास्ट था और तुरंत मार दिया इसको। O'Brien, I found another one of your men. ID says his name was H.S. Patterson. You didn't ask, O'Brien. Didn't ask what? If he was alive or dead. His radio's been dead for 12 hours. All their radios have been dead for 12 hours. I don't need to ask. Thank you for doing this. O'Brien out.
तो ब्रायन को डीकन ने बताया कि तुम्हारा एक और आदमी मिला है। तो ब्रायन ने ये नहीं पूछा कि वो जिंदा है या मर गया, तो भाई डीकन पूछ रहा था कि तुमने पूछा नहीं। तो ब्रायन ने बोला ना कि इन सब के रेडियो 12 घंटे से बंद है, तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं जान ही रहा हूँ कि सब लोग मर गए। और ब्रायन ने थैंक यू भी बोला कि इन लोगों को तुम ढूंढ के डेड बॉडी भी देख ले रहे हो ना, इसके लिए थैंक यू। वो जो फास्ट वाला जॉम्बी है ना, जो भी है यही है, इसी गुफा के अंदर है। और इस गुफा के अंदर एक होर्ड भी है, जो कि फिलहाल तो नहीं आई थिंक घूमने गया होगा होर्ड, पर आ सकता है कभी भी, यानी कि डबल खतरा इस गुफा के अंदर। एक तो गुफा में इतना अंधेरा है, लाइट जलाने से और ज्यादा अंधेरा लग रहा है, बल्कि लाइट ऑफ करके ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं, पैरों के निशान फॉलो करते चलो। ओब्रायन का दोस्त अभी तक मिला नहीं, तो एक और नीरो सोल्जर मिल गया है। और नीरो सोल्जर को पता है ना, मारना आसान नहीं, क्योंकि डीकन ने आज तक एक भी नीरो सोल्जर को मारा नहीं है, क्योंकि इनके सूट बहुत खतरनाक रहते हैं। ये वाला ज़ॉम्बी इतना तेज़ है कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है। O'Brien, found another one. ID says his name was Robinson. Okay. Thanks. I'll let his family know. So you guys have families. Managed to get them all out while shit was going down? I'm not gonna apologize for being luckier than most. Yes, some of us got our families out. Not many, but some. ओब्रायन का दोस्त मिल गया। O'Brien, I found your last man. ID reads Cooper. Copy that. Jesus. Hold up, he's still alive. Hold on. Hey, Cooper. Hey. Right here. We're gonna get you out of here, right now. Cooper, come in. Sorry, shoot. Where's Seth? Come on. Oh, Jesus. What's going on, Deacon? Cooper! His legs are broken. Hold on, stay with him. I'm sending in another team. No. Unless he's compromised, I'm not gonna make it. Let me talk to Jen. Get Jen in here now! Cooper, what the hell did this to you? What happened? I moved so fast. Didn't see it coming. You tell me that a freak did all of this. Reacher. Cooper, are you there? Jen? I'm here. I can hear you. I can't believe it. I thought I'd never hear your voice. Look at me. We're gonna get you out of here. Do you hear me? Go. Jen. मरने से पहले कूपर ने अपनी वाइफ से बात कर लिया। अच्छा, इस तेज वाले ज़ॉम्बी का नाम बताया, रीचर है, और वो आसपास ही है। डीकन भी कंफ्यूज है, ज़ॉम्बी ने मार के खाया नहीं, बल्कि सिर्फ मारा अपने आप को बचाने के लिए। डीकन फाइट के लिए तैयार है, भाई पता नहीं कैसा ज़ॉम्बी है। भाई जिस तरह का इसका दिखाया गया ना, होर्ड से ज्यादा खतरनाक लग रहा है ये। So what the hell am I dealing with? You guys at the lab nicknamed him Reacher. Reacher. What is it? He's got long arms, claws, what? No, it's just fast. We've clocked it moving 40 miles an hour. 40? Jesus. And yeah, it's strong. Maybe you should abort. I don't know. Hell with that. I'm not onboarding anything. This isn't your fight. It is now, said Jonah.
तो थोड़ा ताकतवर है ये नीचर और बहुत ज्यादा फास्ट है। तो इस रीचर के अंदर से ना ट्रैकर निकालना है, उसके बाद ओब्रायन गुफा से बाहर निकालने में मदद करेगा। ओह जीसस, आई होप दिस वाज वर्थ इट ओब्रायन। ओब्रायन, आई गॉट योर सैंपल्स। हे जॉन, गेट आउट ऑफ देयर। व्हाट? गेट आउट ऑफ देयर नाउ, देयर्स अ हॉर्ड कमिंग। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, इस गुफा के अंदर होर्ड भी आ रहा है। Shit, they're getting close. Yeah, it's time to finish these guys off. तो ऑब्जेक्टिव होर्ड को क्लियर करना है भाई, लेकिन कोई बताएगा कितने लोग हैं होर्ड में? बहुत बड़ा वाला होर्ड है, लास्ट टाइम जैसा, लास्ट एपिसोड जैसा, पता नहीं। लास्ट एपिसोड में इतने बड़े वाले होर्ड को मारा है ना, अगर उससे बड़ा नहीं होगा तब आराम से संभाल लूंगा मैं, लेकिन हाँ उससे बड़ा हुआ तब कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस इतने ही थे, बताओ झूठ मूठ का डरा रहा था भाई, इससे बड़े बड़े होर्ड मारे हैं डीकन ने, इतना ही था। Jesus, O'Brien. You made it out. Yeah, I made it out, no thanks to you. Transmitting coordinates. O'Brien out. O'Brien, हाँ हाँ, डीकन बाहर आ गया और O'Brien को ये ट्रैकर ले जाके देना है, ओके। O'Brien, four men died from this shit. Hope it was worth it. Jesus, listen to you. Those are my men. I don't need you or anyone else telling me. Fly around in your helo well above the shit. You crawl back into what? Cozy underground bunker, whatever the fuck. You have no idea what it's like out here. I want to survive. Oh, you know those men, Cooper? The others, they had no idea what they were walking into, but you did. Didn't you? Huh? Didn't you? Radio me when you and your old lady are ready to be lifted out. Maybe this time you'll get on the chopper with her. तो ब्रायन को सुना रहा था डीकन के इस स्ट्राइकर की वजह से तुम्हारे चार आदमी मर गए, और उन बेचारे लोगों को पता नहीं था कि ये रीचर कितना खतरनाक है, लेकिन तुमको पता था, फिर भी तुमने उनको मरने के लिए भेज दिया। तुम तो चॉपर में उड़ते रहते हो, तुमको क्या पता कि यहाँ नीचे रहना, जॉम्बी से भिड़ना क्या होता है। तो ब्रायन भी चिढ़ गया, ब्रायन ने बोला कि जब तुम और तुम्हारी वाइफ निकलने के लिए तैयार हो गए तो मुझे रेडियो करना, और इस बार शायद तुम अपनी वाइफ के साथ चॉपर पे आ जाओगे। ताना मार रहा था ब्रायन, भड़क गया। चार स्किल पॉइंट्स मेरे पास इंतजार कर रहे थे खर्चा करने के लिए, सर्वाइवल में अभी तक ज्यादा कुछ लिया नहीं है, एक मेले अटैक में लेता हूं और बाकी जो तीन बचा हुआ है ना वो सर्वाइवल में लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या ले सकते हैं? बुल रश, ओ ये सही है, मेले अटैक से स्टंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। बाकी जो तीन पॉइंट्स बचा है ना उसमें सर्वाइवल में कुछ लिया जाए, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ लिया ही नहीं है। ये देख लो, मुझे लग रहा है कि गेम खत्म होते होते तक सारे स्किल्स डीकन के पास आ ही जाएंगे जितने भी अवेलेबल हैं। अच्छा, अभी मिशन है कि वो जो कर्नल के लिए एक आदमी को नहीं पकड़ना था जिंदा, जो कर्नल के ग्रुप में जासूस बना हुआ था, कर्नल के लिए क्यों काम कर रहा है डीकन? अब तो ऐसे भी भागना है, लेकिन ठीक है, अगर कर्नल के लिए काम नहीं करते तो उसको शक हो जाएगा ना, तो उसके लिए भी काम करना ही पड़ेगा। इस वाले इलाके में ना बहुत सारे नेस्ट हैं, ज़ॉम्बीज़ के भी नेस्ट हैं, प्लस के कौओं के भी नेस्ट हैं।
कुछ एक आध डिस्ट्रॉय कर ही देते हैं। मेरे पास दो मोलोटोव है तो दो नेस्ट तो डिस्ट्रॉय कर ही सकता हूँ। Where is it? God damn this time. I guess I'll come back here and finish burning this infestation zone later. अंदर से ब्रेकर ज़ॉम्बी की आवाज नहीं आ रही थी, बाहर नहीं आया। पक्का अंदर ब्रेकर है, उसकी आवाज तो आ रही है। क्या कर रहा है? दूसरे ज़ॉम्बीज को खा रहा है क्या? हाँ ये देखो, हाँ इसको तो मार के जाऊंगा भाई, इसकी बाउंटी तगड़ी मिलती है। बहुत सारी गोलियां लगवा दी इसकी, पुलिस कार से कुछ गोलियां उठा लेते हैं। इस एरिया में ना एक और नेस्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर यहां से निकलेंगे। कर्नल के लिए पता नहीं जो भी फालतू काम करना है वो कर देंगे। ऐसे यहां पर बहुत सारे नेस्ट है पर मॉली नहीं है मेरे पास। इसके अंदर से जो भी निकलेगा उसको मारू या फिर ऐसे ही चलू? तो चलो ऐसा है ना कि यहां से निकलते हैं, कर्नल का मिशन किया जाए। यहां पर दो चार नेस्ट छोड़ के जाना पड़ रहा है भाई, बॉटल्स नहीं है। सिर्फ बॉटल मिल जाती ना तो मेरा काम बन जाता, क्योंकि बाकी सब सामान है मेरे पास लेकिन बॉटल की कमी है। भाई सब क्राफ्ट नहीं कर सकता। अच्छा कोई बात नहीं, आगे और कोई बॉटल नहीं मिलेगा क्या? ये देखो कौवों की भी फौज इंतजार ही कर रही है, यहां से निकलना ही बेटर है। इसके अंदर वो रेसिड्यू मिलता है ना। I can smell it. यहाँ पे अपना कोई काम है नहीं, मॉली है नहीं अपने पास, यहाँ से निकलते हैं। There's another nest. Let's burn it up. तो कर्नल ने जो भी आदमी को पकड़ने के लिए बोला है ना वो बगल ही में, ज्यादा दूर है नहीं, ये अच्छी बात है। अच्छा आप लोग बहुत टाइम से बाइक को डेली अपग्रेड करने बोल रहे हो, लेकिन जो कर्नल वाला कैंप है ना वहां पे बाइक अपग्रेड नहीं कर सकते। कैप्टन कोरी वाला कैंप था ना, वहां अपग्रेड किया जा सकता है। तो कर्नल ने बताया कि कैप्टन कोरी ने उन्हें इन्फॉर्म किया है कि जिस आदमी को अपन ढूंढ रहे ना वो बहुत ही अच्छा राइडर है, एक बार अगर वो भाग गया तो फिर वो हाथ नहीं आएगा। तो डीगन ने बोला कि वो तो मैं देख ही लूंगा। तो उस आदमी का क्लू ना यहीं पे मिलेगा, चलो देखते हैं। What do we got? There you are. हमेशा लोग भागते हुए क्यों मिलते हैं? अब उसको बाइक से गिराना होगा, जिंदा पकड़ना है। मैं बैंडेज देने का ट्राई कर रहा था, अब इतनी सी हेल्थ में इसको मारना पड़ेगा भाई। अगर इसने मुझे मार दिया ना तो गेम ओवर, अगर ये भाग भी गया तब भी गेम ओवर। वाह बताओ, मेरे पास एक पॉली नहीं, ये रास्ते मोलोटोव फेंकते हुए चल रहा, उसे बचना होगा, इतनी सी हेल्थ है मेरे पास।
कैप्टन कोरी का ये वन ऑफ द बेस्ट राइडर था। चलो देखते हैं कितना अच्छा राइडर है। भाग जाएगा क्या मेरे से? अगर मिशन फेल हो गया तो मान लूंगा मैं कि अच्छा राइडर है। ऐसे बगल ही में इतना अच्छा राइडर है भाई, इसकी बाइक अटक गई। तो ये कैप्टन कोरी का वन ऑफ द बेस्ट राइडर था, सोच लो फिर। How you doing, buddy, huh? Looks like you're having a chaotic day, yeah? Just the way you like it? Oh, you won't take me alive. Well, I think I already did. Don't matter much to me one way or the other. God damn the anarchists. बोल रहा था कि कभी मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाओगे। निकन ने तो जिंदा पकड़ ही लिया। Colonel, I've got him. Transmitting the coordinates now. Good work, Corp. तो मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कर्नल का आखिरी मिशन था, क्योंकि ओब्रायन ने बोल दिया है कि जब निकलना होगा मुझे रेडियो कर देना, और डीकन ने भी सारा को बोल दिया था कि जब मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगा ना तो निकलने के लिए तैयार रहना। यानी कि कैंप जाना है और सारा को बस यहाँ से निकालना है। मुझे ये देखना है कि सारा और रिकी जब मिलेगी तो दोनों के बीच में आपस में क्या बात होगी, मुझे ये देखना है। और किसको किसको देखना है कॉमेंट करके बताओ। एक बोतल तो मैंने उठाई थी, मेरे पास मॉली बनाने की सामान है क्या? I smell it. Gotta be getting close. There's another one. Time to burn. यहाँ पर और भी नेस्ट हैं, लेकिन फिलहाल जितने उड़ा दिए उतने काफी हैं। सारे के पास चलते हैं मेन स्टोरी की तरफ, क्या बोलते हो? रास्ते में मिल जाएगी बॉटल, लेकिन छोड़ो हटाओ, फोन वापस लौटेगा यार मारने के लिए। इससे अच्छा यहीं से निकलते हैं चुपचाप से, ज्यादा तीन पांच नहीं करते हैं। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि आज के एपिसोड यहीं पे खत्म किया जाए, क्योंकि वो जो सारा वाला मिशन है ना वो बहुत लंबा होने वाला है जहां तक मुझे लग रहा है, और इसलिए उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलो फेल गेम फैमिली, आज का सफर यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, और 5K लाइक्स का टारगेट ना जल्दी से कंप्लीट कर देना। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।